नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। नवरात्रि शुरू हो गए हैं और आज हम बना रहे हैं साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा वैसे तो जो व्रत रखते हैं वो तो खाते ही हैं, पर जो नहीं रखते ना उन्हें भी बहुत पसंद आते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आती है, कभी कभी साबूदाना वड़ा सही नहीं बनता। तो आज दो तीन चीज़ें, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे साबूदाना वड़ा बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। साबूदाना जब हम भिगा रहे हैं तो ये मीडियम साइज़ के जो साबूदाना होते हैं जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, ये हर जगह किसी भी स्टोर पे मिल जाते हैं। इसे हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है। इसको जब आप भिगाएंगे ना, ऐसे नहीं भिगाएं, जब तीन चार बार इसको धो लें तभी भिगाएं। इसको इस तरीके से, इसमें जो वाइट पाउडर सा लगा हुआ होता है, स्टार्च सा होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये देखिए पानी कैसा धुंधला सा हो गया, इसका मतलब हमें इस तरीके से धोना ही है। इस तरीके से आप तीन से चार बार धोइए जब तक पानी साफ ना हो जाए। यहाँ देखिए साबूदाना को हमने अच्छे से धो लिया है। जिस कटोरी से आपने साबूदाना नापे थे उतना ही आपको पानी डालना है। जब आप पानी डाल देंगे ना, जितना आपने साबूदाना लिया था, तो ये देखिए साबूदाना के ऊपर तक, बहुत 1/4 फिंगर ऊपर तक है। तो बस इस तरीके से आप 7 से 8 घंटे इस साबूदाने को भिगा के रख दीजिए। रात को भिगा रहे हैं तो ओवरनाइट, नहीं तो जब भी भिगाएं 6 से 7 घंटे तो कम से कम भिगाएं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी पहले ही इन साबूदानों को भिगा के रख दिया है, बहुत अच्छे से फूल गए हैं और एक एक दाना काफ़ी मोटा मोटा हो गया है। और यहाँ आप दबा के देखेंगे ना, ये देखिए बिल्कुल ये मैश हो रहा है, बिल्कुल भी दाना नहीं है अंदर, कोई भी कड़क दाना नहीं है। इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट भीग चुका है। अब इसे एक छन्नी में रख दीजिए। अब साबूदाना को मैंने एक छन्नी में रख दिया है, अगर कुछ ड्रॉप्स पानी के होंगे तो इसमें निकल आएंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जितना साबूदाना हमने भिगाया था, आधी कटोरी मैंने साबूदाना भिगाया था, उतना ही मैं मूंगफली लूँगी। मूंगफली को मैंने रोस्ट कर लिया है, कुछ छिलके हटाए हैं, कुछ पड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया हो गए सिक्के। अब हम इसे हल्का दरदरा कूट लेंगे, बिल्कुल फाइन नहीं, दरदरा कूट लेंगे। यहाँ देखिए साबूदाना जो है इसे हमने निकाल दिया एक बाउल में, क्योंकि पानी का एक ड्रॉप भी नहीं है। अब ये जो मूँगफली को हमने पीस लिया है इसे इसके साथ मिक्स करेंगे। अब जो थोड़ा बहुत पानी है, हल्का जो गीले गीले लग रहे हैं, वो सब ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि जो मूंगफली है वो सारा पानी सोख कर देगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। जो खाएगा वो यही कहेगा कि आज बहुत ही बढ़िया साबूदाने बने, साबूदाने का वड़ा बना है। ये देखिए इसे आप थोड़ी देर के लिए अलग रख दीजिए। अब यहाँ देखिए एक ट्रिक और भी है। हमने साबूदाना आधी कटोरी लिया था कच्चा, और आधी कटोरी हमने पीनट मूंगफली को इसमें डाल दिया है। अब फूल के चाहे जितना भी ज़्यादा हुआ हो, अब डेढ़ कटोरी, आधा कटोरी साबूदाना था तो डेढ़ कटोरी हम लेंगे बॉयल आलू। बॉयल आलू को मैंने ग्रेट कर दिया है और बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, पहले से उबाल के ठंडा कर दीजिए। डेढ़ कटोरी आलू में हमने ये साबूदाना डाल देना है। इस तरीके से इसका रेशो होना चाहिए। अगर आप व्रत में खाते हैं धनिया तो धुली हुई बारीक कटी हुई धनिया ले लीजिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए। ऐसे ही हरी मिर्च भी खाते हैं तो डालिए, मैंने थोड़ी मोटी मोटी डाली है, जिससे जिसको पसंद है तो खाएगा, नहीं होगा तो निकाल देगा। थोड़ी सी अदरक ग्रेट कर दी है। यहाँ लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई, लेंगे यहाँ सेंधा नमक, एक छोटा चम्मच सेंधा नमक है, ये बहुत छोटा चम्मच है, 1/4 चम्मच का, और आधा चम्मच पिसी चीनी डाल दें, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको हमें मिक्स करना है, आलू और साबूदाने को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने इस आलू साबूदाने को सबको मिक्स कर दिया है। हाथों में लेंगे थोड़ा सा ऑयल और ये कटलेट बनाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी भी ना बनाएं, बहुत छोटी छोटी भी ना बनाएं,
इसे इस तरीके से गोल बनाएं और साइडों से बंद कर दें। उसकी वजह यहाँ से कहीं से भी खुला हुआ होगा तो वो ऑयली बनेगा। और इसे आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसे अप्पे मोल में भी बना सकते हैं, पर बनाइए इस तरीके से। मैं कुछ लंबे बनाऊंगी, कुछ गोल बनाऊंगी, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए। पहले से गरम कर लीजिए, फिर अब जब गरम हो गया तब आप चाहें तो थोड़ा सा मीडियम कर, जिससे वो अंदर तक सिक जाए। ये देखिए, एक इस टिक्की में आपने कुछ चेंज देखा होगा। अक्सर जो नॉर्मल टिक्की लोग बनाते हैं, जाते ही वो फ्राई हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो जाते ही फ्राई हो जाती है, ऑयल में डालते ही फ्राई हो जाए, तो होता क्या है कि बाहर से तो सिक जाती है, अंदर से वो कच्ची लगती है और थोड़ी देर में ही वो सॉफ्ट सी हो जाती है। अगर किसी के टिफ़िन में डाल रहे हैं तो बहुत ही बेकार सी हो जाती है। और ये टिक्की देखेंगे, इसको कम से कम 2.5 से 3 मिनट लगे हैं फ्राई होने में, और आप इस टिक्की को देखेंगे तो आपको खुद चेंज लगेगा। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी, बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। इसे एक पेपर टॉवल पे रखते चाहिए। यहाँ देखिए टिक्की क्रिस्पी कितनी है, ये देखिए। और ऐसा नहीं कि क्रिस्पी है तो अंदर से खाने में सॉफ्ट ना हो, ये देखिए अंदर से वो सॉफ्ट भी है। तो यही इसकी खासियत है, इसे आप नाप कर इसी तरीके से बनाइए। इसको बार बार नहीं चलाना होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट बन रही है। एक चीज़ और थी, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि लाल मिर्च हम फलार में क्यों नहीं खाते। मेरे हिसाब से वो क्यों नहीं खाते, उसका कारण ये है। उन्होंने ये भी लिखा था कि हरी मिर्ची से ही तो लाल मिर्ची बनती है, राइट, बिल्कुल ठीक है। वैसे लाल मिर्ची के अलग भी पेड़ होते हैं, हरी मिर्ची के अलग होते हैं, हरी मिर्ची से भी लाल मिर्ची बन जाती है रखने से। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हमारे बड़े बुजुर्ग जो करके गए, शायद इसलिए कि जो लाल मिर्च होती है उसे हम पीसते हैं ना, उस समय हम थोड़ा सरसों का ऑयल डालते हैं जिससे उसका कलर और भी अच्छा बने। तो यही एक कारण होगा शायद कि लाल मिर्च हम फलारी में नहीं खाते। अगर आप चाहें तो घर में लाल मिर्च को थोड़ा सा कूट लीजिए, चिली फ्लेक्स बना दीजिए और वो आप यूज़ कर सकते हैं फलारी खाने में। आप चाहे तो हरा धनिया, हरी मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनी है और अंदर से खाएंगे तो सॉफ्ट है और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं बनी है। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो ये आपकी भी बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। हरी चटनी मैंने कैरी, धनिया और हरी मिर्च के साथ बनाई है, बिना प्याज की है, फलाहारी में खा सकते हैं अगर आप धनिया खाते हैं। और नहीं तो आपकी मेरी बहुत सारी मैंने रेसिपी डाली है फलाहारी, वो मैं लिंक में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिए। ऑयल फ्री बहुत ही बढ़िया इसका बनता है, दही बड़ा, बहुत सारी चीज़ें और भी बनती हैं, वो आप ज़रूर देखिए। तो इस तरीके से टिक्की बनाएंगे ना, कभी भी ये ऑयली ऑयली नहीं बनेगी और क्रिस्पी बनी रहेगी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, चाहे व्रत हो या ऐसे भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, शाम के टाइम टी टाइम पे बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।